पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम से भिलाई उनका आगमन हो रहा है। दिव्य दरबार भी होगा और दिव्य हनुमंत कथा होगी। दिव्य दरबार सवेरे 11 बजे से लेके 2 बजे तक चलेगा और दिव्य हनुमंत कथा 4 बजे से लेके शाम 7 बजे तक चलेगा। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। भिलाई में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम होना है और यह कार्यक्रम बोलबम समिति के अध्यक्ष दया सिंह के द्वारा कराया जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारी, आइए हम इनसे चर्चा करते हैं। सर बताएंगे कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम से भिलाई उनका आगमन हो रहा है और भिलाई वो आ रहे हैं 22 सितम्बर, 23 सितम्बर और 24 सितम्बर, मतलब शुक्रवार, शनिवार, इतवार 3 दिन दिव्य दरबार भी होगा और दिव्य हनुमंत कथा होगी। दिव्य दरबार सवेरे 11 बजे से लेके 2 बजे तक चलेगा और दिव्य हनुमंत कथा 4 बजे से लेके शाम 7 बजे तक चलेगा। और भी हमने प्रयास किया है कि दिव्य दरबार एक दो दिन बढ़ाने के लिए बाबा से अनुरोध किए हैं और बाबा की कृपा होगी तो एक दो दिन और बढ़ेगा। जगह कौन सा डिसाइड किए हैं? जगह हमने जयंती स्टेडियम, अभी हम जगह को लेके 4 दिन से दौड़ रहे थे हमारे बोलबम समिति के लोग, तो जयंती स्टेडियम को देखा था, रिसाली मैदान को देखा था, जुनवानी में देखा था, वैकुंठ धाम में देखा था, लेकिन अब हमने फाइनल कर दिया कि जयंती स्टेडियम, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है, तो आज हमने ये तय किया कि जयंती स्टेडियम में होगा और वहीं दिव्य दरबार लगेगा। कितने वॉलंटियर रहेंगे, कितने गेट बनाए जाएंगे? हजारों की तादाद में वॉलंटियर होंगे हमारे बोलबम समिति के। उसके अलावा कई समाज प्रमुख हैं जो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, ऐसे समाज प्रमुख भी रहेंगे और लोगों के आगमन के कारण से कई धर्मशाला वगैरह हमने बुक करी है, कई होटल्स वगैरह हम बुक कर रहे हैं और एक बड़ी व्यवस्था के साथ में खान पान, और चूँकि महिलाएँ रहती हैं, माताएँ बहनें रहती हैं, तो उनके लिए सैकड़ों की तादाद में बाथरूम भी रहेगा जहाँ एक व्यवस्था के तहत कार्य होगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को बुलाने का क्या प्रक्रिया रहता है? प्रक्रिया कुछ नहीं, आप मन से याद करो और अपने माध्यम से मिलो और मिल के अनुरोध करो, उनका भाव देखते हैं और वो समय और टाइम दे देते हैं, बस उस भाव के साथ आ रहे हैं। इसमें भिलाई का भला होगा, लोग दुख तकलीफ पीड़ा पे हैं वो तो होगा ही, लेकिन आशीर्वाद, इसने प्यार धीरेन्द्र शास्त्री का भिलाई दुर्ग नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ वासियों को मिलेगा और दूर दराज से भी लोग, अन्य प्रदेश से भी लोग आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सबको उनका आशीर्वाद, प्रेम, प्यार मिलेगा, बस उस भाव के साथ ये कार्यक्रम हो रहा है। आगामी चुनाव है, चुनाव को लेकर ये कार्यक्रम? चुनाव तो कोई विषय नहीं, क्योंकि धर्म चुनाव या राजनीति से अलग होता है और धर्म का झंडा विगत 15 वर्ष से पूर्व से हम उठा रहे हैं और बाबा की बारात विगत 15 वर्षों से कर रहे हैं। अब बाबा की बारात ही सिर्फ बोलबम समिति नहीं निकालती है बल्कि गरीब के घर का चूल्हा भी कोरोना काल में था, तो हम तो शमशान घाट में रह के लोगों को बोलना चाहिए कि कफन के कपड़े, राह, तिल, तकी, गंगा जल, मतलब हर प्रकार की व्यवस्था की थी और हम निरंतर समय समय पर, चाहे गर्मी का मौसम आता तो मच्छरदानी वितरण वगैरह, ठंड आता तो कंबल वितरण करना, तो निश्चित तौर पर बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति है, सेवा से लोगों का कल्याण हो, उस भाव से बाबा की बारात, तो लोगों के भाव के साथ हम जुड़े होते हैं और समय समय पर ये सेवा का कार्य होता रहता है। तो ये आपने सुना पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर पूरी जानकारी, और आप भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को सुनना चाहते हैं तो 23 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर, 24 सितंबर को ये कार्यक्रम रखा गया है और आप आके पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को सुन सकते हैं। तीरंदाज न्यूज के लिए मैं हूँ गौरव तिवारी।